नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के रक्षा क्षेत्र में होने वाले एक ऐतिहासिक बदलाव के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत छह नए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और इससे हिंद महासागर में उसकी रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ जाएगी आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि भारत की ताकत कैसे बढ़ने वाली है भारत छह नए एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों बना रहा है इन एयरक्राफ्ट कैरियर में क्या खासियत होगी भारत के इस फैसले का चीन और पाकिस्तान पर क्या असर होगा यह भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार को कैसे प्रभावित करेगा भारत छह नए एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों बना रहा है चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए अपने समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी देशों को अपनी ताकत का संदेश देने के लिए भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए इन एयरक्राफ्ट कैरियर में क्या खासियत होगी यह पूरी तरह से स्वदेशी होंगे इनमें स्टोबार शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी तकनीक का इस्तेमाल होगा यह चालीस हजार टन से ज्यादा के होंगे इनमें 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकेंगे इनमें अत्याधुनिक हथियार और रडार सिस्टम होंगे भारत के इस फैसले का चीन और पाकिस्तान पर क्या असर होगा चीन और पाकिस्तान को यह भारत की बढ़ती रणनीतिक ताकत का संकेत होगा इससे दोनों देशों को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है यह भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकता है यह भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार को कैसे प्रभावित करेगा इससे रक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश होगा इससे हजारों नए रोजगार पैदा होंगे यह भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा इससे स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा फिलहाल भारत के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एक भारत ने रूस से लिया है और दूसरा भारत ने स्वदेशी तौर पर भर में ही बनाया है अब भारत के पास भारी वजनी एयरक्राफ्ट बनाने की तकनीक आ गई है भारत की ताकत से चीन बहुत डरा हुआ है जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी भारत सुपर पावर की रेस में अमेरिका को भी पीछा छोड़ डीएच देगा अगर भारत को एशिया की शक्तिशाली नौसेना बनना है तो भारत का रक्षा बजट कम से कम 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना ही होगा क्योंकि वर्तमान में जो भारत का बजट है फिलहाल उससे 70 परसेंट सैनिकों की सैलरी और पेंशन में ही चला जाता है जिससे सेना के पास बहुत कम बजट रह जाता है जो फिलहाल चिंता का कारण है तो दोस्तों यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है छह नए एयरक्राफ्ट कैरियर भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगे यह भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा